आई थिंक माई स्किन नीड्स पैम्परिंग, पर मुझे पार्लर नहीं जाना है और ना ही मुझे कोई केमिकल सप्लाई करने हैं, सो वॉट शुड आई डू? आइडिया, DIY फेशियल करते हैं. यस, आज हम करेंगे DIY फेशियल जो स्किन को पैम्पर करेगा एट द सेम टाइम विद नो केमिकल. सारी घर की चीजें होंगी जो आसानी से आपको घर पर मिल जाएंगी. बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और साथ ही साथ आप हिट कर दीजिए बेल आइकॉन को, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे. और हाँ, एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए करें और लाइक बटन को प्रेस जरूर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज जो मैं इस फेशियल को करने के लिए ले रही हूँ, दैट इज दिस रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध. सो ये जो हमारे स्किन पे क्या काम करेगा, हमारे स्किन से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा, एट द सेम टाइम कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके, और ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और कम्प्लीटली सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है और स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है. तो एक कच्चा दूध और इतने सारे बेनिफिट्स. तो चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग से. अच्छी तरह से अपने आईज के ऊपर, बिलो योर आईज, सारी जगह पे आपको ये इसको अच्छी तरह से अपने फेस को क्लेंज करना है. एंड गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलना है, अदरवाइज जो हमारी नेक का कलर होता है और फेस का होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, विच डज नॉट लुक गुड एट ऑल. आप पहले रॉ मिल्क को सबसे पहले फ्रिज में रखते हैं यूज करने से फॉर 15 मिनट्स, जिससे कि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए. फिर आपको और ज्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, कूलनेस फील होगी फेस पर और इसका असर भी बहुत अच्छे से होगा. आप रॉ मिल्क को एक और तरह से यूज कर सकते हैं बिसाइड्स दिस, जब आप मेकअप करते हैं ना, इफ यू सपोज यू आर गोइंग टू अटेंड सम फंक्शन और आपको जाना है, उससे आधा घंटा पहले आप अपने फेस पर रॉ मिल्क इसी तरह से अप्लाई करके छोड़ दें फॉर अराउंड 20 to 30 मिनट्स. उसके बाद आप अपने फेस को ऐसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए. उसके बाद जब आप मेकअप करेंगे ना, वो ग्लो एकदम, आपका मेकअप भी टिकेगा और फेस पर और ज्यादा ग्लो आएगा. अब मैं इसको टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ कर रही हूं. तो अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेंगे. नेक्स्ट है स्क्रबिंग. स्क्रबिंग के लिए आप एक और काम कर सकते हैं. स्क्रब करने से पहले अपने फेस को आप स्टीम भी दे सकते हैं. उससे क्या होगा कि आपके जितने भी क्लोज्ड पोर्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जितने फेस पर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, वो इजीली रिमूव हो जाएंगे जब आप उसके बाद स्क्रबिंग करेंगे. तो मैं ये वाला स्टेप स्किप कर रही हूँ, आप इसे जरूर कीजिएगा तो ज्यादा इफेक्ट आएगा. स्क्रबिंग के लिए जो मैं चीजें यूज कर रही हूँ, दैट इज मैंने लिया है इसमें शुगर, नॉर्मल शुगर, दिस इज नॉर्मल शुगर, इक्वल क्वांटिटी में हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने शुगर. आप नॉर्मल व्हाइट या ब्राउन शुगर कोई भी ले लीजिए. फिर मैंने लिया है राइस फ्लोर, सेम आप वो व्हाइट राइस ले, ब्राउन राइस ले, बेटर होगा कि आप ब्राउन लें. उसमें थोड़ा सा हनी ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने उसमें रॉ मिल्क ऐड किया है. सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. इसको हम थोड़ा सा अपने फेस पे ऐसे अप्लाई करेंगे. के लिए अच्छे से इसकी मसाज करेंगे. शुगर हमारे स्किन से सारी इंप्योरिटीज को रिमूव करने के साथ साथ फेस को एकदम सॉफ्ट बनाती है, बहुत सॉफ्ट सपल, जैसे बेबी की स्किन होती है ना सॉफ्ट, अगर हम इसका रेगुलर यूज करें तो हमारी स्किन से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है. अगर आपको पता हो तो अगर जिनके हार्ड हैंड्स होते हैं, जिनके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो अपने हैंड्स पे भी इसको यूज कर सकते हैं. ऐसी हाथ पे लीजिए और हाथों पाम के बीच में लेकर उसको 5 to 6 मिनट्स के लिए रब करें एवरीडे, इससे आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे. तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी, ग्लो भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमने इसमें हनी भी ऐड किया है, इसमें हमने राइस फ्लोर ऐड किया है, तो हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तो इसको ऐसे 4 to 5 मिनट्स के लिए मसाज करते रहिए. नेक्स्ट है फेस मसाज, जो हम जनरली क्रीम से करते हैं. तो इसके लिए मैंने लिया है
हाफ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, हाफ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और उसमें मैंने कुछ सैफरन के स्ट्रैंड्स डाले हैं। इसे आप 15 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए सैफरन स्ट्रैंड्स को छोड़ दीजिए ऑयल में डालकर, जिससे कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑयल में आ जाएं, और फिर उससे अपने फेस पर मसाज करें। तो चलिए अब हमें इससे जो ऑयल है अपने फेस पर करना है मसाज फॉर गुड 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स। आप चाहें तो 10 to 15 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं, विच इज गुड। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि स्किन ऑयली है, क्योंकि हम इसमें ऑयल अप्लाई करके नहीं छोड़ेंगे, सारा क्लीन कर देंगे आफ्टर मसाज। तो आप कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। सैफरन हमें पता ही है कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के साथ साथ ही जो भी स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पैचेस हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, सबको बेसिकली सैफरन इज वंडरफुल फॉर स्किन। कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी स्किन टाइप सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे हमें नेक पर और फेस पर अच्छे से मसाज करना है। डार्क सर्कल्स के लिए क्लोज योर आईज एंड इस तरह से मिडिल फिंगर से विदाउट गिविंग टू मच प्रेशर, बहुत लाइट हैंड से इस तरह से आपको मसाज करना है। ये आपकी हेल्प करेगा डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए और आपको भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप फेस की मसाज करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो स्किन टाइटनिंग में हेल्प मिलती है। और अगर आप इसका ऐसा अपने फेस पे मसाज करते हैं इस ऑयल को लेकर, ये सारे प्रोसीजर भी नहीं फॉलो करते हैं, तो आप स्किन पर रिंकल्स बहुत लेट आते हैं। स्किन टाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है। तो आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार तो अपने फेस को इस ऑयल से मसाज जरूर करना चाहिए। अपने लिप्स की भी ऐसे मसाज कर सकते हैं इस ऑयल से। पता होगा कि कोकोनट ऑयल जो होता है, जब भी अगर हमारा हाथ कहीं से जल जाता है या कोई स्पॉट्स होते हैं, उनको रिमूव करने में हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, जिससे कि वो जो भी स्पॉट्स होते हैं ये उसको काफ़ी जल्दी से ठीक कर देता है। तो सेम चीज़ हमारे फेस पे भी अप्लाई होती है। फेस पे जैसे एक्ने के स्पॉट्स हैं या कोई और डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, अनइवन स्किन टोन है, ये उसको काफ़ी हेल्प करता है उसको रिमूव करने में। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसको अप्लाई करके छोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तभी कुछ ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है वो सूट कर जाए तो, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है ऑयली स्किन में, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं नाइट में, थोड़ा सा मसाज करके उसको पूरी रात लगा रहने दें, तो आप देखेंगे कि तो आपकी स्किन कितनी इवन हो जाएगी और कितना आपका जो कॉम्प्लेक्शन होगा ये उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको सूट ना करे, क्योंकि डार्क स्पॉट्स तो ठीक करता है, लेकिन ऑयल की वजह से अगर आपको एक्ने होते हैं तो एक्ने हो जाएंगे ऑयल अप्लाई करने से, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तब भी आप एक बार तो अप्लाई करके देख सकते हैं सूट करता है तो ठीक है, अगर आपको एक्ने होते हैं तो स्टॉप यूजिंग इट। मसाज करने के बाद फेस वाइप की हेल्प से जो भी ऑयल है बचा हुआ उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। मैंने कम्प्लीटली क्लीन कर दिया है। अब लास्ट जो स्टेप आता है दैट इज फेस पैक। बनाया है इसमें मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी, इक्वल क्वांटिटी में आपको लेनी है, जैसे आप ले रहे हैं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच आपको बेसन लेना है, उसमें आपको मिक्स करना है कर्ड यानी कि दही। आप चाहें तो कुछ ड्रॉप्स लेमन की भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है और लेमन आपको सूट करता है तो ये सारी चीज़ों से इस पैक फेस पैक को बना लीजिए, और एक ब्रश की हेल्प से या अपने फिंगर्स की हेल्प से आंखों के आसपास का एरिया छोड़कर पूरी तरह से अप्लाई कर लीजिए। तो जो भी चीज़ें हमने इस फेस पैक में यूज़ की हैं सारी की सारी हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें केमिकल हो
या इसके साइड इफेक्ट्स हों। बस कुछ चीज़ें हैं जैसे लेमन मैंने आपको बताया कुछ लोगों को सूट नहीं करता, या ड्राई स्किन वालों के लिए लेमन अच्छा नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उनको भी कई बार सूट नहीं करता है। सेंसिटिव मेरी भी है, पर अगर मैं इसे थोड़ा बहुत इसे यूज़ करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली कभी भी यूज़ मत कीजिए, स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, सिर्फ लेमन जूस को उसको डाइल्यूट करके तब यूज़ करना चाहिए। आई एम श्योर ये जो सारी चीज़ें हैं किसी को भी, किसी भी स्किन टाइप के लिए फेशियल बहुत अच्छा है। यू नो, पार्लर में जाने से प्रॉब्लम ये होती है तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, एट द सेम टाइम जितने बड़े पार्लर्स होंगे वो दिखाते नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट्स हमारे स्किन पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। और केमिकल्स तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में होते हैं, तभी वो इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी DIY हम करते हैं वो इंस्टेंट ग्लो तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, बट जो अगर हम फेशियल कराते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, जब हम पार्लर में होंगे तब तो हमें बहुत ग्लो दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारी स्किन डल होना स्टार्ट हो जाती है, वो सारे केमिकल्स का इफेक्ट होता है। तो हमें, मुझे लगता है, अवॉइड करना चाहिए ये सारे पार्लर में जो हम फेशियल वगैरह कराते हैं। कराते भी हैं तो हमेशा ऑर्गेनिक कराने की कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं कि हम किसी फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं हम बोलें कि हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए। इंस्टेंट ग्लो तो आ जाता है मेकअप से, हाइलाइटर यूज़ कर लें, अच्छा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो। अब आपको ये फेस पैक जो है ड्राई होने तक 15 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा, तो तब तक के लिए अपनी स्किन पे रहने देना है, फिर अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। मिलते हैं आपसे 15 मिनट्स के बाद। सो गाइज, फेशियल इज़ कम्प्लीटेड, और फेशियल कम्प्लीट होने के बाद आपको जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको जो भी रेगुलर मॉइस्चराइजर वो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर लेना है। एंड वो ऑयली स्किन आई वुड सजेस्ट यू कि आप अप्लाई करें एलोवेरा जेल और एक मिनट तक उसके फेस पर मसाज करें, फिर उसको छोड़ दें। इससे आपकी स्किन जो ऑयल आएगा उसको कंट्रोल करेगा एलोवेरा जेल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।